हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देख सकते हैं कि ये इंग्लिश, इसका अनुवाद हिंदी में दिया गया है। ठीक, ये भी मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यू बेस्ड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय क्या अभिवादन संबंध शब्द लिखते हैं? ठीक है, अभिवादन संबंधी शब्द कौन से लिखते हैं? नमस्कार, सादर, चरण स्पर्श आदि शब्द अभिवादन के लिए लिखा जाता है, प्रणाम, वंदना आदि। तो फोर्थ एमसीक्यू बेस्ड में फोर ऑप्शंस रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन में ये करेक्ट, इनमें से एक करेक्ट दे देगा और अदर्स इररिलेवेंट रहेंगे, थ्री ऑप्शंस इररिलेवेंट रहेंगे, तो उसमें चूज़ करना रहेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी करस्पॉन्डेंस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्तमान में कौन से पत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? तो औपचारिक पत्र, विशेषकर सरकारी कागज, कामकाज तथा पत्राचार कार्यालय में उपयोग होते हैं, तो ये वर्तमान में औपचारिक पत्र उपयोग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, प्रारूपण में को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं, जैसे कि किसी लेटर का ड्राफ्ट बनाना रहता है ना, ओवरऑल ड्राफ्ट, तो उसे प्रारूपण कहते हैं। प्रारूपण के अतिरिक्त और कौन से शब्द प्रचलित हैं? प्रारूपण को ही आलेखन कहते हैं। ठीक, एक इंग्लिश का वर्ड ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का हिंदी अनुवाद प्रारूपण एंड आलेखन, दो शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, सरकारी पत्र में कौन से भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? सरकारी पत्र में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा औपचारिक ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं ना। परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट एट, प्रारूपण हमेशा कैसे लिखना चाहिए? प्रारूपण में किसी भी समाचार का कच्चा मसौदा तैयार करना होता है, त्रुटिपूर्ण संक्षिप्त विराम चिन्ह तथा हाशिया का ध्यान देकर लिखना चाहिए। प्रारूपों में समाप्ति सूचक शब्दों में कौन सा शब्द नहीं लिखना चाहिए? समाप्ति सूचक शब्द भवदीय या भवदीय शब्द परिपत्र में नहीं लिखना चाहिए। टेंथ, आशासनिक पत्रों के लिए किन दो रूपों को अपनाया जाता है? आशासनिक पत्र, पहली फाइल पर अभियुक्ति रिमार्क लिखकर पत्रों को उस पूरी फाइल को ही दूसरे विभाग भेजा जाता है। सेकंड, संपूर्ण टिप्पण जो नोटिंग लिखकर संबंधित विभाग को भेजा जाता है। अंतर विभागीय संदर्भ में आशासनिक पत्रों का प्रारूपण तथा सूचना भेजने मंगाने के लिए किया जाता है। अतः रिमार्क और नोटिंग, ये दोनों दो रूप हैं जो आशासनिक पत्रों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, अपनाए जाते हैं। ठीक, तो ये वोकेशनल हिंदी एंड करस्पॉन्डेंस का के सब्जेक्ट का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इससे मल्टीपल चॉइस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इन दिस चैनल, स्पेशली टू द यूपी यूएमएस। ओके, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे।